दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद का आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि जो हम इमेज लगाते हैं इमेज व्यू पे, तो हम उसको मतलब किन किन शेप में लगा सकते हैं। हम उन्हें सर्कल में लगा सकते हैं, हम उन्हें स्क्वायर में लगा सकते हैं, उसका जो बॉर्डर है उसको रेडियस कर सकते हैं, और राउंडेड शेप में लगा सकते हैं, ट्रायंगल शेप में लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं इसके लिए। क्लिक एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट, और मैं नाम देता हूं इसको इमेज शेप डेमो। इमेज शेप डेमो से नाम कर देता हूं। तो देखिए हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अभी अलग अलग तरह के इमेज व्यू लगाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है। यहाँ पे ये है सियामेट की लाइब्रेरी है इमेज शेप की, एंड्रॉयड की, और ये मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। इसमें हम अलग अलग शेप के इमेजेस लगा सकते हैं, अलग अलग शेप में इमेजेस लगा सकते हैं। ये सर्कल में है, ये स्क्वायर विथ राउंड बॉर्डर है, उसके साथ ये ट्रायंगल है, ये हेक्सागन में है, ये स्टार में है, तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं इसका। फर्स्ट आई गो हेयर। सबसे पहले हम ग्रेडल ओपन करते हैं और ग्रेडल में इसकी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। इसकी डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ, इमेज शेप लाइब्रेरी, और ये होगा इम्प्लीमेंटेशन, और इसको सिंक कर देते हैं। सिंक करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और इसको हम लीनियर लेआउट बनाएंगे, लीनियर लेआउट, और इसका हम ओरिएंटेशन जो है वो हम वर्टिकल कर देंगे। अब इसका बैकग्राउंड हम वाइट कर देते हैं। बैकग्राउंड वाइट करने के बाद अब हम ये इमेजेस ले लेते हैं। लेट सपोज कि अगर मुझे राउंड वाला इमेज चाहिए, मैं इसके लिए ये यूज कर लेता हूँ। हम ये राउंड के लिए यूज करते हैं, और इसकी जगह मुझे एक पिक लेनी होगी, तो मैं ऐप आईसी लॉन्चर का आइकन ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया है, और इसको मैं करता हूँ 120 डीपी, और इसको भी करता हूँ 120 डीपी, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे जैसे अगर मुझे यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, तो मैं ब्लैक कलर का बॉर्डर दे सकता हूँ यहाँ पे, ये है। इसको मैं एज अ थोड़ा मार्जिन करता हूँ 10 डीपी, सो नाउ परफेक्ट। और अगर मुझे अगर स्क्वायर में चाहिए राउंडेड बॉर्डर के साथ, तो मैं इसे यूज कर लेता हूँ। ये मुझे स्क्वायर में मिलेगा। इस पे भी लॉन्चर आइकन लगा देते हैं, इसको भी 120 डीपी कर देते हैं, 120 डीपी, और इसको भी मार्जिन दे देते हैं 10 डीपी, ठीक है। अगर मुझे जैसे, हाँ, इसमें बहुत सारे हैं, जैसे ये आप देखेंगे डायमंड इमेज व्यू। तो सिंपली इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें कोई सा भी, लेट्स सपोज मैं यही ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ नीचे, और इसको मैं कर देता हूँ डायमंड इमेज व्यू यहाँ पे, तो ये डायमंड शेप में हो जाएगा। अगर मुझे पेंटागन शेप में लेना है, तो मैं कुछ नहीं करता, फिर से इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैं इसको, और मुझे अगर पेंटागन चाहिए, तो मैं पेंटागन वाला ले लेता हूँ। इसके बाद अगर मुझे ऑक्टागन लगाना है, तो मैं ऑक्टागन के लिए फिर से इमेज कॉपी करूँगा और इसे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं ऑक्टागन इमेज व्यू। तो इस तरह से हम मतलब कई टाइप के इमेज व्यू बना सकते हैं। ये स्टार वाला है, चलिए ये भी कर लेते हैं, स्टार वाला भी बना लेते हैं,
एक स्टार वाला हो गया और एक हार्ट शेप हो गया। तो स्टार वाला बनाने के लिए इसको स्टार वाला और इसको इसको हम करते हैं हार्ट इमेज व्यू। सो ये हमने हार्ट इमेज व्यू लगा दिया। अब इस पे एक स्क्रॉल व्यू लगा देते हैं, एक लीनियर लेआउट ले लेते हैं, उसी के अंदर लगाएंगे मैच प्रिंट, इसे रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन वर्टिकल और ये हम यहाँ पे लगा देते हैं क्योंकि हमें चाहिए स्क्रॉल व्यू। और स्क्रॉल व्यू क्या हमेशा कहता है कि मेरा जो चाइल्ड होगा वो सिर्फ वन व्यू होता है, स्क्रॉल व्यू का चाइल्ड व्यू वन व्यू होता है, तो इसीलिए हमने ये स्क्रॉल व्यू लगा दिया। अब आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके इसको, तो मैं एक नेचर की पिक ले लेता हूँ कोई अच्छे से। सो सेव करते हैं इसको डेस्कटॉप पे, इमेज के नाम से, और मैं इसको इमेज करके कॉपी किया मैंने इसे और ऐसे ड्रॉबल में मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ इमेज के नाम से। सो मैं अब यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ, सॉरी इमेज, और मैं सभी जगह इमेज लगा देता हूँ। तो मैंने सभी जगह इमेज लगा दिया, आप देख सकते हैं ये वैसे ही आ गया है, इसको रन करने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। एक मिनट, अच्छा पेंटागन दो दो हैं, तो आप देख सकते हैं ये आपका जो है राउंडेड, ये राउंडेड इमेज शेप है बट ये राउंडेड में नहीं लग रहा, राउंडेड इमेज शेप ये आपका बबल वाला है, एज अ बबल टाइप, दिस वन इज बबल। ये आपका डायमंड शेप में है, ये पेंटागन शेप में है, ये आपका ऑक्टन शेप में है, स्क्रॉल करेंगे ये स्टार शेप में है और ये हार्ट शेप में है। सो बट वेट, मुझे इसे इसका जो है सर्कल शेप में नहीं मिला, तो सर्कल के लिए आई थिंक सर्कुलर इमेज होता होगा या राउंड इमेज, राउंडेड इमेज शेप, बबल इमेज शेप ये हुई। अच्छा राउंडेड के लिए इन्होंने ये दे रखा है, बट अगर सर्कल में हो तो ठीक है, मैं देखता हूँ सर्कल के लिए यहाँ पे, अगर मैं इसको सर्कल देखते हैं, हाँ सर्कुलर इमेज व्यू है। सो ये आपका राउंडेड के लिए हो गया और ये आपका सर्कल के लिए सर्कल सर्कुलर इमेज व्यू। सो ये काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है और इसमें ये सर्कल के लिए आप ये देख सकते हैं, मैं इसका बॉर्डर जो है, अब मैं इसका बॉर्डर रेड करता हूँ, ये इसका बॉर्डर मैंने रेड कर दिया। आप इसकी बॉर्डर दे सकते, इसका बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर की विड्थ दे सकते हो, बॉर्डर रेडियस दे सकते हो। सो ये सर्कल राउंडेड इमेज शेप इन स्क्वायर, ये बबल जो मैसेज के लिए होता है, ये डायमंड हो गया, ये पेंटागन शेप में हो गया, ये आपका पेंटागन शेप में, फिर ऑक्टागन शेप में ये वाला, ठीक है, फिर आपका स्टार शेप में, ये आपका स्टार शेप में हो गया, ये आपका स्टार शेप में हो गया और ये हार्ट शेप में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। अगर आपका एंड्रॉयड में कुछ भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना दूंगा।